मंझोला थाना क्षेत्र के करीब 8 दिन से लापता युवक के परिजनों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क से एसएसपी कार्यालय होते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे और वहां जाकर पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मंझोला थाना क्षेत्र से करीब 8 दिन से लापता परिजनों ने आज सिविल लाइन के अंबेडकर पार्क में एकत्रित होते हुए मंझोला पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे परिजनों का आरोप है कि करीब 8 दिन से उनका बेटा मगन लापता है। परिजनों के मुताबिक 8 दिन पूर्व मगन अपने दोस्तों के साथ गया था लेकिन घर वापस नहीं आया, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई लेकिन पुलिस द्वारा मामला तो दर्ज कर लिया गया लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लगाते हुए आज मगन के परिजनों ने अंबेडकर पार्क से लेकर एसएसपी कार्यालय होते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र में मंझोला पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया है। शिकायती पत्र के माध्यम से कहा गया है कि जल्द से जल्द लापता मगन की तलाश की जाए। मगन वो मोहित और लाखन बॉस से मिलने को गए थे लेकिन वहाँ से वो वापस नहीं आया। सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करी है लेकिन वो वहाँ पे कहीं पर नहीं है। पुलिस से रिपोर्ट कराई है लेकिन पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि सीडीआर आ जाएगी। सीडीआर भी आ गई है, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। संडे को एक लड़की थी, उसका मर्डर हो गया, सारी पुलिस वहाँ पे चली गई। फिर मंडे को योगी जी आए थे, वहाँ पे लग गए। कल मंगलवार बुधवार को उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं करी, तब हमें यहाँ पे आना पड़ा है मजबूरी में। कितने दिन हो गए? 8 दिन हो चुके हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आपने थाने पे शिकायत की थी? शिकायत की है लेकिन उनसे कोई पूछताछ नहीं कर रहा है। आज किससे मिलना है आपने? आज हमें यहाँ पे एसएसपी से मिलना है। लगभग कितने लोग होंगे आज आपके साथ? हमारे गाँव के सारे लोग हैं। क्षेत्र के लोग क्या चाहते हो आप? हमें न्याय चाहिए, हमारा भाई चाहिए।